सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो मेरे बर्थडे का तैयारी हो गया। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। शाम हो गया है, 6 बज रहा है शाम का, और यहाँ का गिर जा रहा है बार बार, इसको अच्छे से चिपकाना होगा। तो चलिए निकलते हैं मार्केट के लिए और खूब तरह शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मेरे बर्थडे में ज़्यादा दिन नहीं है और ये ब्लॉग जाएगा तो और ही कम दिन होगा, एक दिन बाकी होगा शायद। तो चलिए चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या क्या लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आया वीडियो में, इसलिए ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। तो मार्केट से आ चुके थे और जो जो शॉपिंग करना था कर चुके थे। बहुत चीज़ तो नहीं मिला बट बहुत चीज़ मिल भी गया, तो वो सब ब्लॉग देखते रहिए तो पता चलेगा क्या क्या लिए। और ये अभी रात हो गया था, तो रात हम लोग को आने में शायद 9 बज गया था हम लोग को मार्केट से। और जो जो लेना था वो सब बहुत एक्साइटेड भी हैं दिखाने के लिए, तो इसलिए। और इयररिंग वगैरह भी लिए बहुत सारा, और वो सभी दिखाई है। क्या बोल रहे हैं मेरे को याद ही नहीं है, बट आप लोग से कुछ शेयर भी कर रहे थे इसमें, बट बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि हम इस समय क्या बोल रहे थे आप लोग से। कोई बात नहीं, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो कल ब्लॉग वहीं पे एंड किए थे, एंड मीन्स क्लिप वहीं का होगा जब हम मार्केट से आ गए थे घर। तो अभी हम बना रहे हैं नाश्ता सुबह का। तो हम यहाँ बना रहे थे कुंदरू का भुंजिया और करेला आलू प्याज का भुंजिया, दोनों तरफ भुंजिया ही बनाए थे। उसके बाद हमको बनाना था ये मटर का सब्जी। रेसिपी कुछ भी शेयर नहीं किए हैं और कहीं भी जाना भी है आज, हो गए रेडी, कहीं जाना है। रात हो गया है, रात मतलब शाम 7 बज रहा है, तो जाना है पूजा एक जगह। तो चलिए दिखाएँगे कहाँ जाना, अभी चूड़ी नहीं पहने, चूड़ी पहनना है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। और कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। बैक कैमरे से हम साड़ी दिखा देते हैं अपना। सो गाइज, ये है साड़ी, देख सकते हैं। और ये साड़ी के बारे में कभी और बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेट हो रहा है। और इसका ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मेरे को, तो बहुत प्यारा साड़ी है ये। तो चलिए निकलते हैं। फिर हम लोग निकल चुके थे जहाँ जाना था, और पहले ही जाना था हम लोग को शाम में ही, मतलब 3-4 बजे, बट कोई आया नहीं, मतलब ससुर जी और मेरे पतिदेव को आने में लेट हो गया, इसलिए हम लोग लेट गए, रात में गए। कोई बात नहीं, अगर कोई बुलाता है प्यार से तो वहाँ लेट भी सही, बट जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और यहाँ एक पूजा था, और पूजा के बाद जो होता है खाना वो था, तो वहीं हम लोग यहाँ खा रहे थे। और हम ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं कहीं भी, तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करने के लिए आ गए घर। और टाइम हो रहा है 9:30, अब तुरंत अभी तो नहीं सोएंगे, थोड़ा देर हो ही जाता है, बट नींद तो आ रहा है। और ये वाला साड़ी बहुत स्पेशल है, रीज़न नहीं बताएंगे क्यों स्पेशल है, बस स्पेशल है, बहुत सारा याद जुड़ा है इस साड़ी से। तो चलिए अब मिलते हैं सुबह में डायरेक्ट, क्योंकि अब रात हो गया है। तो चलिए गुड नाइट, सुबह में मिलते हैं। तो गाइज, आज है संडे, कल हम लोग घर आ गए थे सैटरडे को, और ये ब्लॉग चलते जा रहा है 3 दिनों से, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ब्लॉग बनाए, क्योंकि बहुत ही बिजी चल रहा है टाइम। मेरा बर्थडे भी आ रहा है बहुत जल्द, ये ब्लॉग जाएगा जिस दिन, शायद उसी दिन मेरा बर्थडे होगा। तो चलिए, आज हम सोच रहे हैं ना
कि जैसे ऑर्गेनाइजर और भी ढेर सारा मंगाए हैं, जैसे साड़ी के लिए मंगाए थे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा है कि एक ही जगह हम रख दिए ना तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जा रहा है। तो और भी बहुत सारा मंगाए हैं सूट के लिए, तो पहले सोचे कि एक में अपना जितना दुपट्टा है अच्छा अच्छा वाला महंगा महंगा वाला वो एक जगह रख देते हैं। दुपट्टा अपना बहुत सारा दुपट्टा है मेरा, बहुत बोलिएगा तो कलेक्शन का भी शेयर करेंगे। दुपट्टा वगैरह सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन रखना, बस एक ब्लैक कलर नहीं है। तो आज ही हम अपनी बहन से बोल रहे हैं कि देखना उस शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दुपट्टा का दुकान समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा बट अभी नहीं समझ में आ रहा है। और वहाँ तो हम अपना जानते हैं जगजीवन मार्केट, वहाँ जाते हैं जो दुपट्टा पसंद आता है ले लेते हैं। तो चलिए पहले हम ये सब कर लेते हैं, उसके बाद बारिश जैसा दिन तो नहीं कर रहा क्योंकि छत पे कपड़े डाले हुए हैं। हाँ बारिश जैसा दिन कर रहा है, चलिए पहले कपड़ा ले लेते हैं। गाइस अभी शाम हो रहा है, शाम का 5, और जैसा कि आप देखे होंगे कि बर्थडे का तैयारी मेरा चल रहा है, वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे को स्टोरेज नहीं भरना। पिछले बर्थडे में मेरा क्या हुआ था ना कि देखे नहीं कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज है या नहीं, कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया था। देखे होंगे आप लोग, हम बहुत ज़्यादा रोए थे उस चीज़ के लिए क्योंकि वीडियो था ही नहीं कुछ भी। और नहीं देखा होगा आपने तो मेरा मेन चैनल पर होगा वो ब्लॉग, क्योंकि ये वाला चैनल उस टाइम नहीं था तो हम अपलोड नहीं किए थे। तो अभी जा रहे हैं, जो मेरा ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया है, डबल एक्सेल है और हम पहनते हैं एस, तो उसको जाना है फिटिंग कराने। तो चलिए वहाँ चलते हैं, पूरा देख रहे हैं फैला दिए हैं कपड़ा एकदम से, तो चलिए। और सरप्राइज रहेगा कि कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, गेस करिएगा कि हम क्या पहन रहे हैं, ठीक है। बर्थडे का तैयारी कंटिन्यू ही है और अभी हम लोग का प्लान देखिए क्या होता है, कैसे होता है, वो सब तो पता नहीं, अभी मेरे को खुद को नहीं पता तो आपको भी नहीं बताएंगे, और पता भी होता तो नहीं बताते क्योंकि फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है और सरप्राइज भी ये सब। तो अभी तैयारी चल रहा है, और जब हम लोग गए थे जैसा कि बोले कि मैं फिटिंग करने के लिए ड्रेस गए देने, तो वो वहाँ पर थी नहीं, तो फिर हम लोग सोचे क्या करें, फिर कहीं और जाने वाले थे बट नहीं हो पाया, तो घर पे ही मेरी सासू माँ कर दी और एकदम परफेक्ट हो गया जैसा चाहिए था। तो थैंक गॉड थोड़ा रिलीफ मिला, वरना टेंशन हो जाता है ना कि कैसे होगा क्या होगा। तो एक चीज़ तो हो गया, और भी सब चीज़ हो गया, कुछ भी आप लोग को दिखाए नहीं है पर सब कुछ तैयारी हो गया है, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और देखने मिलेगा। अभी हम दिखा देंगे तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग नहीं देखोगे, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। तो चलिए अभी जा रहे हैं सोने, गुड नाइट। और ये ब्लॉग 3 दिन से कंटिन्यू चले जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं कैप्चर कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल भर ना जाए। पिछले बर्थडे जैसा कि बोले स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया था, तो इस बार नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा फालतू कुछ भी हम शूट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो नहा के हो चुके हैं रेडी क्योंकि आज है सोमवार, तो चलते हैं मंदिर। और आज धूप निकला है, देख सकते हैं वीडियो कितना लाइट आ रहा है फेस पे बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, बातें बाद में करेंगे क्योंकि लेट हो सकता है, नाश्ता भी बनाना है, सब करना है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, पहले घर पे पूजा कर लेते हैं फिर मंदिर में चलते हैं।
ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग 3-4 दिन से चल रहा है, मेरे को पता भी नहीं है कितना दिन से चल रहा है, अब एडिट करेंगे तब पता चलेगा। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जितना हो सके शेयर करिएगा गाइज। और इधर बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है क्योंकि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन जो भी जैसे भी होगा, अभी तो कुछ सोचे नहीं है कैसे करेंगे, नॉर्मल ही सोचे हैं, तो वो सब वीडियो आएगा तो ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि वीडियो ढूंढना ना पड़े, आपके होम पेज पर आ जाए। अगर आपके होम पेज में नहीं आता सब्सक्राइब करने के बाद भी तो सर्च करके देख लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।